नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले से बेटियों से जुड़े हिंसा पर करारा प्रहार किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने तीन और मुद्दे उठाए और इनमें से एक बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि लाल किला से पीएम मोदी के वो चार बड़े बयान कौन से हैं। जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा, अब समय की मांग है कि देश में एक सेक्युलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जरूर होगी। मैं भ्रष्टाचारियों के लिए भय का वातावरण पैदा करना चाहता हूं, ताकि देश के सामान्य नागरिक को लूटने की जो परंपरा बनी है, उस परंपरा को मुझे रोकना है। कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं। समाज में इस प्रकार के बीज बोने का जो प्रयास हो रहा है, वो स्वस्थ समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है, उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे, खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है। कम्युनल यानी सांप्रदायिक। 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे 98 मिनट का भाषण दिया, लेकिन इस एक शब्द से देश भर की राजनीति गर्मा गई। दिन स्वाधीनता दिवस का था, मगर पीएम मोदी के भाषण में यूसीसी की नई परिभाषा ने सियासी घमासान छेड़ दिया। सबसे पहले आप पीएम का पूरा बयान सुनिए। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है, और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने मौजूदा सिविल कोड को कम्युनल करार दिया, तो विपक्ष ने बिना देर किए पीएम को निशाने पर ले लिया। संविधान की शपथ लेते हैं और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाया गया कोड, उसको आप कम्युनल कोड कहते हैं। करने दीजिए, जो पार्लियामेंट तय करेगी, पार्लियामेंट का निर्णय जो होगा वही सर्वप्रिय है। कॉन्स्टिट्यूशन इज फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन इज अबव एवरीथिंग। प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज अबव एवरीथिंग। कॉन्स्टिट्यूशन जो अलाउ करेगा वही तो होगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम के इस बयान को बाबा साहब का अपमान बता दिया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, ये कहना कि अब तक हमारे पास कम्युनल सिविल कोड रहा है, डॉक्टर अंबेडकर हिंदू पर्सनल लॉ में सुधार के सबसे बड़े समर्थक थे, जिन्हें 1950 के दशक के मध्य तक वास्तविक रूप दिया गया। इन सुधारों का आरएसएस और जनसंघ ने काफी विरोध किया था। पीएम ने अपनी स्पीच में यूनिफॉर्म सिविल कोड के मौजूदा स्थिति पर चर्चा करने की बात की। संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था, उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए। पीएम का इतना बोलना भर था कि देखते ही देखते सियासी दलों के साथ साथ धर्म गुरुओं ने भी इस पर अपनी आपत्ति जतानी शुरू कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
आज लाल किले से जो भाषण दिया है और उसमें उन्होंने सामान्य नागरिक संहिता के लागू करने और उसके निफास की बात की है, तो प्रधानमंत्री की इस बात से भारत का मुसलमान मुतमईन संतुष्ट नहीं है। और अगर ये लागू होता है तो फिर समाज का ताना बाना बिखर जाएगा। एक समुदाय विशेष को टारगेट करके मुसलमानों के प्रति देश के प्रधानमंत्री और केंद्र की सरकार लगातार अटैक पर अटैक कर रही है। पीएम के पूरे स्पीच में कम्युनल शब्द को लेकर तो खूब चर्चा हुई, लेकिन इसी के आगे पीएम ने सेक्युलर यानी धर्म निरपेक्ष का भी जिक्र किया। जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा, अब समय की मांग है कि देश में एक सेक्युलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। प्रधानमंत्री ने अपने बयान में दो बार कम्युनल तो दो बार ही सेक्युलर शब्द का भी जिक्र किया, लेकिन इस पर विपक्ष के साथ साथ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने उन्हें निशाने पर ले लिया। लेकिन जैसा कि पीएम ने भी कहा, चर्चा होनी चाहिए, जनता से जुड़ा मुद्दा है तो चर्चा जरूरी भी है, लेकिन एक चीज अगर नहीं होनी चाहिए तो इस मुद्दे पर वोट बैंक की राजनीति। दिल्ली से अंजलि सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।